चक्रवर्ती। इस युग के प्रारंभ में अयोध्या के महाराज श्री ऋषभदेव जी हुए। इनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े का नाम भरत था। महाराज स्वयं इन्हीं के हाथों राज्य का भार सौंप कर दीक्षित हो गए। आगे चलकर ये ही महाराज अपनी उग्र तपस्या, संयम व्रत की असाधारणता और परोपकार वृत्ति की पराकाष्ठा के कारण तीर्थंकर तक बन गए। महाराज भरत इतने प्रतिभावान, प्रतापशाली, प्रजा हितेच्छुक और दीन प्रतिपालक थे कि उन्हीं के नाम पर हमारा यह देश भारतवर्ष कहलाने लगा। कालांतर में वे ही भगवान ऋषभदेव जी विहार करते करते उसी नगरी में पहुंचे। नगर के बाहर बाग में उन्होंने वास किया। धर्मोपदेश देते हुए एक दिन उन्होंने फरमाया कि वे लोग जो दिन रात ऐशो आराम और आरंभ परिग्रह में आसक्त रहते हैं, मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। इनके विपरीत वे पुरुष जो दिन रात रहते तो ऐसे ही वातावरण में हैं, परंतु प्रत्येक अवस्था में निवृत्ति मार्ग ही को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाते रहते हैं। मोक्ष उनके लिए दूर नहीं है। प्रसंगवश आगे चलकर उन्होंने यह भी फरमाया कि भरत चक्रवर्ती भी इसी भव में मोक्ष धाम के अनुगामी बनेंगे। पड़ोस में बैठे हुए एक स्वर्णकार के हृदय को यह बात अखर गई। वह मन ही मन कहने लगा, भरत जी इसी भव में मोक्ष में सिधारेंगे। यह बात तो एकदम असंभव सी जान पड़ती है। कदाचित अपने पुत्र के नाते भगवान ने यह बात कह डाली है। अन्यथा 6 खंडों के राजमद में रात दिन रत रहने वाले महाआरंभी और परम परिग्रही को मोक्ष इसी भव में कैसे हो सकता है। उसने अपने बल पर इस बात का प्रचार और प्रसार नगर में करने की चेष्टा की। महाराज भरत ने भी इस बात को सुना। तब तो अति शीघ्र ही महाराज के सामने उसे पकड़ मंगवाने की राजाज्ञा हुई। तदनुसार वह तुरंत ही पकड़ कर लाया गया और महाराज के सामने पेश किया गया। राजाज्ञा के अनुसार उसके हाथों में लबालब भरा हुआ तेल का एक पात्र रखा गया। ऊपर से यह भी फरमान हुआ कि नगर के मध्य मार्गों से घुमा फिरा कर पीछा राजप्रसाद में इसको लाया जाए, परंतु स्मरण रहे कि यदि एक बूंद भी तेल की इसने पृथ्वी पर पटक दी तो वहीं इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। राजाज्ञा के सुनते ही सुनार के हाथ पैर फूल गए, परंतु छुटकारे का कोई चारा न था। जिन मार्गों से वह स्वर्णकार निकाला जाने वाला था, वे मार्ग विशेष रूप से उस दिन सजाए गए, जिससे उसका मन उस सजावट की ओर किसी भी तरह आकृष्ट हो जाए। परंतु यहाँ तो प्राणों की बाजी लगी थी। फिर तो मार्ग में चलते हुए अपने अधीन आत्मरक्षा के जिन जिन उपायों को वह कर सकता था, अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसने किए। जिस तरह से मार्ग का परिभ्रमण उसने पूरा किया, अंत में महाराज के सम्मुख उसे उपस्थित किया गया। सम्राट ने उससे पूछा, स्वर्णकार जी, सच सच बताओ, आज बाजार में तुमने क्या क्या देखा? प्राण दंड से तो तुम मुक्त हो ही गए हो, अब किसी भी बात की चिंता तुम्हें न रखनी चाहिए। इस पर वसुनार बोला, महाराज क्या क्या देखा इसका उत्तर तो मेरे साथी ही केवल दे सकते हैं। मेरे लिए तो वह तेल का पात्र, केवल वही लबालब भरा तेल का पात्र देखने की एक वस्तु उस समय थी। मेरे प्राणों का सौदा उसी पर था। आप और अन्य लोग सभी कहते हैं कि रास्ते में नाना भांति के राग रंग भी बड़े ही अनूठे और चित्ताकर्षक हो रहे थे, परंतु मैं तो उन सभी की तरफ से सोलो आना बेखबर था। देखना तो दूर की बात रही, मैंने तो कानों से काना शब्द तक सुन न पाया। मुझे तो पद पद पर केवल यही ध्यान था कि तेल की एक बूंद तक धरती पर टपकने न पाए, अन्यथा उस बूंद के साथ ही साथ मैं भी सदा के लिए वही सुला दिया जाऊंगा। बस इसी आप बीती बात के द्वारा सम्राट ने सोनी जी को अपने मन की दशा का परिचय कराया। वे बोले, सोनी जी, जिस प्रकार मृत्यु को निकट समझ विलासपूर्ण विशाल बाजार की एक भी वस्तु की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं था, ठीक उसी तरह इस वैभवपूर्ण बड़े भारी साम्राज्य का शासक हूँ तो मैं जरूर, परंतु तुम्हारी ही तरह मृत्यु को मैं भी प्रतिपल अपने सिर पर अट्टहास करते हुए देखता रहता हूँ। यही कारण है कि मैं सम्राट कहलाते हुए भी सम्राट सचमुच में नहीं हूँ। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, लेते देते, हर समय मेरे ध्यान में एकमात्र निवृत्ति मार्ग ही बसा हुआ रहता है। मैं प्रवृत्ति मार्ग का पोषक केवल इसीलिए ऊपर से दिख पड़ता हूँ कि मेरी अधीनस्थ प्रजा कहीं अकर्मण्य न बन बैठे, अन्यथा अंतकरण से हूँ मैं उसका घोर विरोधी। परंतु हाँ, मैं केवल उसी दिन को अपने लिए परम सौभाग्यशाली समझूंगा जिस दिन मैं इस संसार के संपूर्ण मोहक एवं विशाल वैभव से सर्वथा अपना नेह और नाता तोड़कर केवल्य और केवल केवल्य कमला के साथ वरण करूंगा। सम्राट की इस सार गर्भित वाणी को सुनकर स्वर्णकार का संशयशील चित्त लज्जा से एकदम सिर पिटा गया। उसका सिर सक्रिय आत्मधिक्कार से नीचे लटक पड़ा। अपने कृत अपराध और दुष्टता के लिए सम्राट से नतमस्तक हो क्षमा याचना
प्रार्थना उसने की। तदनंतर भगवान आदिनाथ के उपदेशों और वचनों में दृढ़ विश्वास लाकर वह अपने घर को लौटा। एक दिन सम्राट अपने शीश महल में अपने रूप यौवन को निरख रहे थे। उसी समय उनके हाथ की एक अंगुली से हीरे की एक अंगूठी नीचे गिर पड़ी। वह अंगुली उन्हें नंगी और भद्दी सी नजर आई। तब तो उन्होंने एक एक करके अपने संपूर्ण आभूषण अपने अंग प्रत्यंगों पर से उतार डाले। फिर वे अपने शरीर को निरखने लगे। आभूषण सहित और रहित शरीर की शोभा में उन्हें हिमालय की चढ़ाई और उतराई के समान अंतर जान पड़ा। उसी समय उन्होंने देह की अनित्यता पर विचार किया। दूसरे दूसरे पुद्गल के प्रभाव से यह सुंदर जान पड़ती है। अन्यथा हाड़ मांस मज्जा आदि गंदले पदार्थों से निर्मित इस देह में दीप्ति आ कहां से सकती है। इन्हीं अनेक भांति के आवरणों का साथ कर आत्मा अनेकों प्रकार की हीन तथा उच्च योनियों में भटकती फिरती है। इन सात्विक विचारों के हृदय में पैठते ही सम्राट को वहां खड़े खड़े ही केवल ज्ञान हो आया। तब तो उसी पल अपने संपूर्ण राज्य भार को उन्होंने अपने सिर कंधों से उतार दिया और 1000 अन्य मांडलिक नरेशों के साथ वे दीक्षित हो गए। यूं आत्मकल्याण के अक्षय राजमार्ग का अवलंबन कर अंतिम समय में निर्वाण पथ के निरंतर पथिक वे बने। जय आनंद।